इंटरनेट इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। और ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि इतनी ह्यूज इन्फॉर्मेशन में से कैसे हम कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन इन सेवरल इंस्टेंसेज वी आर नॉट एबल टू गेट अ स्पेसिफिक डेटा दैट वी वॉन्ट। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी सर्च इंजन के लिए अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सर्च क्वेरी को कंस्ट्रक्ट एंड रीडिफाइन कर सकते हैं और उसके द्वारा किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च एंड यूज कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को हम किसी भी सर्च इंजन के लिए, चाहे वो गूगल हो, गूगल स्कॉलर हो, पबमेड हो, यूट्यूब हो, लेंस, डायमेंशन या कोई भी दूसरा सर्च इंजन हो, उन सभी सर्च इंजन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विद द लाइव एग्जांपल। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम गूगल सर्च इंजन में अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को कैसे रीडिफाइन एंड रीडिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक जर्नल टर्म को सर्च कर लेता हूँ, जेट फाइटर। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स यहाँ सर्च होके आ गए। अब इतनी बड़ी डेटा सेट के अंदर से मेरे लिए जो स्पेसिफिक डेटा है वो सर्च करना एक टफेस्ट टास्क है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस जनरलाइज्ड टर्म को किसी स्पेसिफिक टर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैं इसके लिए किसी जेट फाइटर जैसे सुखोई SU-30 MKI को सर्च कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे कि आप मेरे सर्च के रिजल्ट थोड़े से नैरो डाउन हुए और लेसर अमाउंट ऑफ रिजल्ट मुझे यहाँ प्राप्त हो गए। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग कि आपको किसी जनरलाइज्ड टर्म को स्पेसिफिक टर्म में कन्वर्ट करके ही सर्च करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी सर्च कीवर्ड्स दो या दो से ज्यादा कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं तो आप उसे एक साथ अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसे आप एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ डबल कोट लगा के किसी भी दो या दो से ज्यादा कीवर्ड्स को एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट करके सर्च करेंगे तो आपके पास और भी ज्यादा नैरो डाउन होके आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे अभी मेरे पास 147,000 रिजल्ट्स इसके सर्च होके आ गए। साथ ही साथ आप कुछ और दूसरी चीजें भी इसके साथ कर सकते हैं। आप अगर साथ में कुछ और भी सर्च होके आए तो आप किसी दूसरे वर्ड को भी इसके साथ सर्च कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको बुलियन ऑपरेटर्स को यूज करना होगा। बुलियन ऑपरेटर्स आपके एंड और नॉट, ये आपके बुलियन ऑपरेटर्स हैं। ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में ही यूज करने होंगे। तो मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, एंड कैपिटल में लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिफ्थ जनरेशन। तो आप देखेंगे कि एंड मेरा स्मॉल हो गया तो मैं इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड, और इसे अब मैं सर्च करता हूँ। तो देख रहे हैं मेरे पास अभी यहाँ मेरे पास 324,000 रिजल्ट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, डबल कोट करके इन्हें एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मीन्स कि मैं फिफ्थ जनरेशन भी एक साथ चाहता हूँ कि जहाँ भी जिस भी टेक्स्ट में अवेलेबल हो एक साथ आए, और सुखोई SU-30 MKI भी मुझे एक साथ ही चाहिए। तो आप देखेंगे कि मेरे पास अब 8,140 रिजल्ट्स ही मेरे पास है। तो आप इस तरह से अपनी मल्टीपल कीवर्ड्स को बुलियन ऑपरेटर की हेल्प से उसे ऐड कर सकते हैं। और देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ और लिखता हूँ तो क्योंकि अब मेरे पास कंडीशन बनी है कि या तो मेरे पास SU-30 MKI के रिजल्ट्स आ जाए या तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर के रिजल्ट्स आ जाए। तो अब मेरे पास दोनों में से किसी एक के भी रिजल्ट्स जहां भी अवेलेबल होंगे, जहां भी ये कीवर्ड सर्च हो जाएंगे वहां से ये सर्च होकर रिजल्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। मींस कि मेरी क्वेरी अब थोड़ी और बड़ी हो गई है और मेरे पास ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप और को यूज करते हैं तो आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को भी जहां भी सर्च करते हैं तो उसे भी आप लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट को यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ नोट यूज कर लेता हूँ, नोट भी मैं कैपिटल में लिखूंगा, और मैं यहाँ रफेल टाइप कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास अब रिजल्ट्स नैरो डाउन हुए क्योंकि मैंने नोट कंडीशन में रफेल को डाल दिया। मीन्स कि मेरे सर्च के क्वेरी के अंदर रफेल अब सर्च होकर नहीं आएगी। इसके साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के टाइप के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, फाइल टाइप यहाँ लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, PDF टाइप करूंगा, तो अब मुझे सिर्फ रिजल्ट्स मिलेंगे जिनमें PDF फाइल अवेलेबल है। आप देखेंगे PDF फाइल अवेलेबल है, PDF फाइल अवेलेबल, PDF फाइल, ऐसे ही सेम आप डॉक फाइल भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल ही यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ PPTX भी हम सर्च कर लेते हैं, पावर पॉइंट की फाइल भी हमें यहाँ मिल जाएगी। जिन फाइल्स के अंदर भी PPT होगा सिर्फ हमें वही फाइल्स मिलेंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जैसे आप साइट कोलन लगाएंगे, मैं इसे सर्च करना चाहता हूँ wikipedia.org पे, तो मेरे पास सिर्फ अब मेरे पास जो सर्च रिजल्ट है 1,220 रिजल्ट्स आए हैं, और ये सारे हर एक रिजल्ट जो है विकिपीडिया से। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर भी अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर आप टाइटल में सर्च करना चाहते हैं कि जो भी मेरे पास किसी भी सर्च का टाइटल है उसके अंदर मेरा कीवर्ड हो तो उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इन टाइटल को यूज करिए, इन टाइटल कोलन लगाएंगे, और आपको ये कीवर्ड को इन टाइटल के साथ यूज करना होगा।
तो अब आपका सुखोई SU 30 MKI जितने भी हेडिंग्स के अंदर, जितने भी टाइटल्स के अंदर अवेलेबल होगा, सिर्फ आपके पास वही सर्च होके डेटा आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं, आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं, न्यूज को सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ किसी कंट्री के डेटा को सर्च करना चाहते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमें इंडिया से डेटा को सर्च करना है, तो हम यहाँ इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमें इंडिया की इन्फॉर्मेशन ही सर्च होकर आएगी। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर और कस्टम रेंज के अकॉर्डिंग भी हम अपने सर्च को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गूगल में इन सर्च स्ट्रेटेजीज को यूज करके अपनी सर्च को रीडिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे पास नैरो होके सर्च का डेटा अवेलेबल होगा, उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसके बाद गूगल स्कॉलर को देख लेते हैं। गूगल स्कॉलर के अंदर आप स्कॉलरली पब्लिकेशन के डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ, हर्बल मेडिसिन। तो मैं इन टाइटल करता हूँ हर्बल मेडिसिन। तो आप देखेंगे कि हर्बल मेडिसिन इन टाइटल करने से मेरे पास 16,100 रिजल्ट्स ही अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं टाइटल की प्लेस पे ये डायरेक्ट टर्म को अगर मैं यूज करता हूँ तो आप देखेंगे कि 6,57,000 रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल। तो इस तरह से अगर आप रिजल्ट्स को सिर्फ टाइटल के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ इन टाइटल यूज कर सकते हैं कोलन के साथ, तो आपका जो टर्म है सिर्फ वो आपके टाइटल के अंदर ही सर्च होगा। इसके अलावा आप बूलियंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बूलियन ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ कैंसर। तो अब मेरे पास सिर्फ वेब रिजल्ट्स ही अवेलेबल है जिनके टाइटल में हर्बल मेडिसिन भी है और कैंसर भी है। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को रिडिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ और की कंडीशन भी बना लेता हूँ, और बनाएंगे और यहाँ मेडिसिनल हर्ब लिखेंगे। अब इसे क्योंकि ये दो वर्ड का मिलके बना है तो इसे हम एक सिंगल फ्रेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे सर्च करते हैं। तो अब मेरी सर्च क्वेरी थोड़ी और बढ़ गई है क्योंकि मैंने और का बूलियन ऑपरेटर यूज करते ही मैंने ऑप्शन दे दिया कि या तो हर्बल मेडिसिन सर्च हो गया है या तो हर्बल मेडिसिनल हर्ब सर्च हो गया है और वे कैंसर के साथ सर्च हो गया है। तो इस तरह से आप एंड और का यूज कर सकते हैं सर्च करने में और आप टाइटल को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ईयर वाइज सर्च करना चाहते हैं और आप एक कस्टम रेंज देना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक कस्टम रेंज देके भी आप अपने डेटा को नैरो डाउन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आप फाइल टाइप चाहते हैं तो यहाँ आप फाइल टाइप भी यूज कर सकते हैं। फाइल टाइप यूज करेंगे, कोलन लगाएंगे, PDF, तो आपको सिर्फ वही आर्टिकल अवेलेबल होंगे जिनकी PDF फाइल्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आप गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी एडवांस सर्च फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इसमें सर्च करने के लिए आप यहाँ सभी कीवर्ड्स को यूज कर लीजिए। अगर आप कोई एग्जैक्ट फ्रेज यूज करना चाहते हैं तो उसे आपको यहाँ रखना होगा। अगर किसी दो कीवर्ड में से आप कोई एक को सर्च करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ रख सकते हैं, और अगर आप किसी कीवर्ड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ उस कीवर्ड को रखना होगा। आप टाइटल में सर्च करना चाहते हैं या एवरीवेयर इन द आर्टिकल आप सर्च करना चाहते हैं तो इनमें से आपको दोनों ऑप्शन में से ऑप्ट करना होगा। आप ऑथर के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए अगर कोई भी सुटेबल ऑथर है तो उसको अगर आपको सर्च करना है तो उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। आप पब्लिशर को भी सर्च कर सकते हैं कि किस जर्नल में ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किस ईयर से लेके किस ईयर के बीच में सर्च करना चाहते हैं वो भी ईयर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडवांस सर्च को भी गूगल स्कॉलर में यूज कर सकते हैं। अब पममेड में देख लेते हैं। पममेड इज अ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरली सर्च इंजन बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट योर सर्च क्वेरी फॉर ए स्पेसिफिक डेटा। तो सबसे पहले एक सर्च क्वेरी यहाँ बना लेते हैं, बुलियन बेस्ड सर्च क्वेरी बनाएंगे, हर्बल मेडिसिन। और के साथ भी हम एक दूसरा फ्रेज यूज कर लेते हैं, मेडिसिनल हर्ब। एंड के साथ बुलियंस आप हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करिए। एंड के साथ हम यहाँ कैंसर सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ 36,981 रिजल्ट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी फ्रेजेस को एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डबल कोट से इन्हें हम एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे, मेडिसिनल हब को भी सेम वैसे ही करेंगे, सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 4,315 रिजल्ट्स सर्च होके आ गए। तो इस तरह से आप बूलियन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, अपनी फ्रेजेस को एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ वाइल्ड कार्ड सर्चिंग भी यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड आपको एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम ये वाला फ्रेज को रिमूव करेंगे और हम हर्बल को भी वाइल्ड कार्ड में कन्वर्ट करेंगे। वाइल्ड कार्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हर्ब के बाद मैं स्टार लगा के यहाँ वाइल्ड कार्ड सर्च के लिए से फ्लेक्सिबल बना लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हर्ब के बाद अगर मैंने स्टार लगाया है तो यहाँ हर्ब भी सर्च होगा, हर्बल भी सर्च होगा। और सेम वैसे ही मैं मेडिसिन के लिए भी कर लेता हूँ, मेडिसिन मेडिसिनल भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, मेडिसिनली भी हो सकता है, तो यहाँ भी मैं स्टार यूज करूंगा
तो ये भी फ्लेक्सिबल फ्रेज में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वाइल्ड कार्ड सर्चिंग के लिए प्रिपेयर हो गया। और मैं इसमें रख देता हूँ एंड, क्योंकि मुझे दोनों को एक साथ सर्च करना है, तो मैं एंड बुलियन यहाँ यूज कर लेता हूँ। अब इसे सर्च करते हैं तो हमारे पास मोर फ्लेक्सिबल रिजल्ट यहाँ अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो एग्जैक्ट फ्रेज है उस पर डिपेंडेंसी न होके हमारी वाइल्ड कार्ड सर्चिंग के बेसिस पे ही डेटा सर्च होके हमारे पास आ रहा है। अब चाहे हमारा कोई भी टर्म हो, हर्ब हो, हर्बल हो, मेडिसिन हो, मेडिसिनल हो, मेडिसिनली हो, वे सारे ही टर्म्स हमारे सर्च होके हमारी सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बन जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ डेटा फिल्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, आप ईयर्स के अकॉर्डिंग डेटा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, आप टेक्स्ट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी डेटा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फुल टेक्स्ट के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, एसोसिएट डेटा के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, आप आर्टिकल के टाइप के लिए आप सर्च कर सकते हैं, बुक्स के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, मेटा एनालिसिस के लिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए, रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग भी आप एक साल के डेटा को सर्च करना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, या आपके एक कस्टम रेंज भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एडिशनल फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ आर्टिकल टाइटल के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं, आप जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड है आप उस तरह के डॉक्यूमेंट को यहाँ सर्च कर सकते हैं। स्पीसीज वाइज भी आप डेटा की फिल्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं, आर्टिकल के लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एडवांस डेटा फिल्ट्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। आप एडवांस डेटा फिल्ट्रेशन को देखते हैं, यहाँ आप किसी भी फील्ड के लिए किसी भी कीवर्ड को स्पेसिफाई करके अपनी सर्च क्वेरी को यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइटल के लिए कुछ सर्च कर लेता हूँ, यहाँ आप टाइटल, पब्लिशर, जर्नल, पब्लिकेशन टाइप, आप यहाँ डिफरेंट फील्ड्स के लिए अपनी किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च क्वेरी बना के उसे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, टाइटल में हम सेलेक्ट करेंगे, टाइटल के लिए कीवर्ड हम यूज करेंगे कैंसर। अब मैं इसे एंड बुलियन के साथ में से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ आप एंड के साथ भी इसे ऐड कर सकते हैं और नोट के साथ भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी बुलियन ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ एंड के साथ, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे अब टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट में कोई दूसरा कीवर्ड में यहाँ ले लेते हैं मेडिसिनल हर्ब, ये ले लेते हैं, इसे भी सेम ऐसे ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ क्वेरी बॉक्स के अंदर मेरी क्वेरी जनरेट हो रही है। कैंसर मेरा टाइटल के अंदर सर्च होगा, एंड मेरा बुलियन ऑपरेटर है यहाँ, मेडिसिनल हर्ब मेरा टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में से किसी में भी अगर ये अवेलेबल होगा तो वो मेरा सर्च रिजल्ट मेरे पास सर्च होकर आ जाएंगे। सर्च करते हैं तो यहाँ मेरे पास वे रिजल्ट आ गए हैं जिनमें टाइटल में कैंसर है, टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेडिसिनल हर्ब है, तो आप यहाँ टाइटल्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सर्च क्वेरी, हम एडवांस डेटा सर्चिंग के बेसिस पे भी हम अपनी सर्च क्वेरी को बिल्ड कर सकते हैं, और आप किसी भी फील्ड को या एक से ज्यादा फील्ड्स को यूज कर सकते हैं एंड बुलियन ऑपरेटर की हेल्प से। अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेंस को यूज कर सकते हैं, लेंस में आप अपनी क्वेरी को बिल्ड कर सकते हैं और अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, और यहाँ डिफरेंट डेटा फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग डेटा फिल्टर्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ एक इफिशियंट डेटा फिल्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायमेंशन को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए डेटा चाहते हैं। लेंस और डायमेंशन के लिए आप अलग से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हम उसमें सर्च क्वेरी बनाएं और कैसे हम अपने डेटा को फिल्ट्रेशन करके उसे यूज कर पाए फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट अप्रोचेज को यूज करके अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन एंड रीडिजाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।